समाचार की ताज़ा खबरें और लाइव मौसम अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कीजिए न्यू लाइव टिप्स चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के। आपको बता दें पश्चिमी विक्षोभ का दिखेगा असर, 24 जिलों में बारिश आंधी कलट, बिरजपात ओलावृष्टि की भी संभावना, जून से फिर बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। पिछले 24 घंटों में कई जिलों में बारिश हुई, आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी। इसके लिए यूपी मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में येलो अलर्ट और कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ साथ जहां बिरजपात और ओलावृष्टि की भी संभावना है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक 2 जून तक मौसम ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। इस दौरान प्रदेश में तेज आंधी और बारिश का दौर चलता रहेगा। आंधी की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। आज भी लखनऊ में 1-2 बार गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि पश्चिमी व पूर्व जिलों में 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने तथा गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ का यूपी के कुछ इलाकों में असर देखने को मिल सकता है और नोएडा गाजियाबाद समेत कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, अमरोहा, जैनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, वाराणसी समेत 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं और हल्की सी मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन तक तेज हवाएं चलने और गरज व चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। प्रदेश के जिलों में बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटवा, कासगंज, मैनपुरी, फरुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, उन्नावा, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, इटावा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जलौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यूपी के सिमाली, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, वारण, श्रीबस्ती, बलरामपुर, गोंडा, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, कौसबी, चित्रकूट, प्रयागराज में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर हल्की सी बारिश हो सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान 37 डिग्री जाने की संभावना है। इस हफ्ते में राजधानी का तापमान एक बार फिर से 40 डिग्री के पार जाने की संभावना जताई गई है। यहां पर न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। नोएडा में आज से 2 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार, वहीं दिन में बादल और धूप के असर के बीच अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हो सकती है। गाजियाबाद में आने वाले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम रह सकता है। वहीं दिन में शहर में बादलों का असर भी देखने को उम्मीद है। इससे तापमान में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पूर्व चालों के मौसम में भी बदलाव आने की उम्मीद है। बादलों का प्रभाव दिखने, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की आशंका है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वाराणसी में भी मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं आज यहां झुटपुट बादलों का प्रभाव दिख सकता है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है। कानपुर में आज कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे बारिश हो सकती है।